तो हेलो दोस्तों, स्वागत है वापस के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ के लोग पानी कैसे पीते हैं और कौन सा पानी पीते हैं और कहाँ से पानी लेकर आते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं अभी जा रहा हूँ नीचे की तरफ। मैं अपने साइड के बगल में था और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यहाँ का लोग पानी कहाँ से लेकर आते हैं। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का बोरवेल भी नहीं है, ना ही यहाँ पे चापाकल है, तो ये लोग पानी पीते कहाँ से और अपना काम कहाँ से करते हैं। तो आज मैं काफ़ी लोगों से पूछा तो ये लोग बताए हैं कि यहाँ पे एक इनार है, यानी कि कुआं है, और उसी से ये लोग जो है कि अपना काम वाम चलाते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ जंगल की तरफ और आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारा जो है कि यहाँ पर झाड़ी है, बड़ा बड़ा घास और पतहर है। तो मैं अभी लोकल वाला आगे आके जा रहा है और मैं भी जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का कुआं कैसा होता है और यहाँ का जो है पानी कैसा होता है और ये लोग इसी से काम चलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी लाइट भी नहीं है इधर आसपास में कहीं भी, ये लोग अंधेरे में ही रहते हैं। ओनली ये लोग के पास जो अच्छा खासा इनके पास पैसा है तो सोलर है, नहीं तो सोलर भी नहीं है, अंधेरे में रहते हैं। तो फाइनली अभी हम जा चुके हैं कुएँ के पास। तो आप लोग इधर में देख सकते हैं ये है सरसों कुछ रखा हुआ है, फरा हुआ है, इस आदमी काम कर रहा है। ये सब केला है, मक्का है, इधर का मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, कुछ भी पौधा अच्छा से निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सामने, आप बता सकते हैं कौन सा कुआं है, कोई बता नहीं पाएगा बिना देखे। तो ये देखिए दोस्तों, कितना छोटा कुआं है। हम लोग की तरफ ये सब बोरवेल होता है, देख सकते हैं अंदर में पानी आपको दिख रहा होगा। अभी मैं पानी निकलवा कर दिखाता हूँ आपको। काफ़ी जो है कि ये यहाँ के लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बारिश के मौसम में तो ये सब सारा पानी पानी हो जाता है, मजबूरी है इन लोगों की, ये सब पानी ये लोग पीते हैं। बहुत ही पुराना इनार है, इसी से लोग काम चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी जो है निकाला जा रहा है, निकालना देख सकते हैं, ये पानी पूरा जो है कि अच्छा है, वाइट है, ये डब्बा में भर रहा है पीने के लिए। कितनी तकलीफ़ है इन लोगों की बता नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है हर एक चीज़ का, कोई भी किसी भी चीज़ में, फसल में चाहे कुछ भी बोना हो तो इसी का ये लोग पानी यूज करता है। कितना तकलीफ़ से निकालना है और यूज करना है, ये सब हमारा इंडिया में तो 20-25 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन इधर में अभी भी है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी निकालने के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं निकाल कर और चेक करके बताता हूँ कि पानी कैसा है कैसा नहीं, और काफ़ी जो है कि अच्छा भी है, पुराने ज़माने की याद आ जाती है जो है कि हमारे बुज़ुर्ग लोग किया करते थे। अभी तो हम लोगों के ज़माने में चापाकल आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, अभी मैं पानी निकाल चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये पानी बहुत ही अच्छा है और सेम है हम लोग के जैसा ही पानी है, कोई मिलावटी नहीं है, काफ़ी अच्छा है, ठंडा बहुत है, अच्छा लग रहा है। तो बस यही है कि जो सफाई बस रहे तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो कभी जो है कि ढका रहता है, कभी ढका नहीं रहता है, तो ये पूरा मिट्टी के अंदर ही है, इसमें कोई पाइप वगैरह नहीं डाला गया है। आप लोग देख सकते हैं पानी कैसे हिल रहा है, पता नहीं कैसे ये लोग मैनेज करता है, बहुत ही कठिनाई है और काफ़ी मेहनत भी है। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो से बने रहिए, आगे भी हम आपको ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि जो भी मेरी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।